लगातार हो रही बारिश से एक तरफ जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में बृहस्पतिवार को सुबह से लगाए दोपहर तक मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। मरीज पर्चा काउंटर और डॉक्टर के कमरे में सामने लंबी लाइन लगाए अपने नंबर के इंतजार में खड़े रहे। वहीं मरीजों की इस भारी भीड़ की संख्या देखते हुए गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने जब चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश गौरव से बात की तो उन्होंने कहा, चाचा की नहीं है पहले देखिए, इस समय बरसात हुई है, बरसात के कारण संक्रामक रोग बढ़ गया है ना। इस समय फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी, कफ, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब की मरीजें अस्पताल में बढ़ गई है। सर, क्या कारण हो रहा है कि लोगों को इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है? ये इन्फेक्टेड जब बरसात होती है तो मेनिकांड सब बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ये अप्लाई करता है, उसमें लोग इन्फेक्टेड हो जाता है। दूषित भोजन करने से, बाजार की चीज़ों खाने से उससे इन्फेक्टेड हो जाता है, उससे ये बीमारी फैलती है। इनसे बचाव का क्या उपाय है? इनसे बचाव के कारण है कि लोग गंदगी, गंदा पानी में कम जाए, बरसात में भींगे कम, दूषित भोजन ना करे, ताज़ा भोजन करे, कोई दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले।